और ये रहा अपना इफ्तारी, ये रहा सलाद। सलाद अच्छा बना है ना, कितना दिया? 10 रुपए। 10 रुपए मजे का दे दिया। वसीयत इंसान की बारी है, इंसान अपने इंसान को वसीयत की है कि वो अपने मां-बाप के साथ में बेहतरीन से रहे, अच्छा से रहे। Hey guys, boys, welcome back to another vlog. And अभी चलते हैं, हेयर कट करवा लेते हैं, ऐसे ही बहुत बड़ा हो गया, तो ये सब थोड़ा सेटिंग हो जाएगा ना, तो अच्छा लगेगा, यहीं तक सब और अच्छे सेट हो जाएगा, और पंडाई में थोड़ा बड़ा बाल भी अच्छा लगेगा। चलते हैं हेयर कट करवाने। सर आज तो मैं भी दुकान में आया, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो अभी हेयर कट होगा नहीं, तो चलते थोड़ा वीडियो बना लेते हैं बाहर में घूम करके, और जाते जाते मेरे को भाई मिल गए अब्दुल्ला भाई, चलते हैं। पैन चेंज हो गया, चांदी आया ना, उसके बाद करिया स्ट्रीट कहीं कहीं भी जाके घूम सकते हैं, बिकॉज भाई रहेंगे, हैंडल इनके हाथ में रहेगा। सो आज 3:30 हो चुका है ना, तो मोहिम भाई जा चुके हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, वो भी गाड़ी लेके गए हुए, तो अभी दुकान बंद है, अब्दुल्ला भाई दुकान के पास वेट कर रहे हैं, चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। नमाज इन शाला जाएंगे चांदनी, जबकि बाकी नमाज हो चुकी है सर की, चलते हैं अब दुकान, देखते दुकान मोहिम भाई खोले हैं कि नहीं खोले, खोल दिए होंगे तो निकल जाएंगे हम लोग कलकत्ता के लिए। आज मैं ना फैशन फैक्ट्री जाने का सोचा था, दुकान आ चुके हैं, मतलब मोहिम में चाह रहे हैं कि हम लोग आप तारी वहीं जा नहीं रहे, हम तो जा नहीं रहे, जाएगा तो दोनों काम हो जाएगा मेरा, फालतू हो जाएगा वहाँ पे चेक करने के लिए, हम खरीदने आ रहे, पैसा लेके जा रहे हैं, जो भी बाय द वे पसंद नहीं आया तो ऐसा जगह कम से कम मेरा बटन का तो काम हो जाएगा, सबसे ज्यादा मेहनत काशी में बताइए, हम लोग बटन लेने में है कि नहीं, प्लान क्या है फैशन में, पहले फैशन फैक्ट्री, उसके बाद चांदनी, उसके बाद है जकरिया स्ट्रीट, जकरिया स्ट्रीट मोइन भाई के काम के लिए, चांदनी आवे काम के लिए, और फैशन फैक्ट्री मेरे काम के लिए, तो मतलब तीन काम है, तीनों का अलग अलग, तो पसीने से ऐसा हालत है। चलिए तब और चलते हैं मोइन भाई के पंजाबी का बटन का फोटो ले लेते हैं, मतलब फोटो नहीं, मतलब पूछ लेते कैसा बटन लेना है। और ये रहा, ले चुके हैं, इसका बटन लेना है, और ये दूसरी कैट अभी यहाँ का खाना में है, कैट हम लोग बहुत प्यार है कैट से। और यहाँ कपड़ा मिल चुका है, चलते हैं, अब 4:00 लगभग 10 हो रहा है, ये रहा मैं इंत्रा से आ गया, ये रहा मेरा पार्सल आ चुका है, चलते हैं अब। सो आज हम लोग निकल चुके हैं फैशन फैक्ट्री के लिए, निकल चुके हैं हम लोग, अभी कंफर्म नहीं है, तो चांदनी भी आ सकते हैं तो फिर फैशन फैक्ट्री भी आ सकते हैं, और ये डिसाइड हम लोग मालूम है हावड़ा ब्रिज पार करने के बाद करेंगे, बिकॉज हावड़ा ब्रिज पार हो जाएगा ना, उसका मतलब कंफर्म मालूम हो जाएगा कि हम लोग पहले जाने का है फैशन फैक्ट्री और फिर चांदनी, गिरफ्तारी भी कर रहा है ना इसीलिए। बादल लगा हुआ आसमान साइड में भी हम लोग, और हम लोग को जाना है पहले फैशन फैक्ट्री, क्योंकि 4:30 हम लोग यहाँ जल्दी बहुत जल्दी पहुँच गए ना, मुश्किल से 20 मिनट में यहाँ पहुँच गए, यहाँ से हम लोग चलते हैं यहाँ डायरेक्ट फैशन फैक्ट्री, पहले फैशन फैक्ट्री उसके बाद जाएंगे चांदनी, तो प्लान वापस चेंज हो गया, पहले हम लोग जाएंगे चांदनी। सो आज तो चांदनी आ चुके हैं, तो क्या आप मतलब पहली बार मुझे मालूम है ब्लॉग में अपना दिन यहाँ से चांदनी से भाई को चश्मा चाहिए, हाँ लिए रहे अब्दुल्ला भाई, ये भी सामान ले रहा है। सो गाइस तो अब्दुल्ला भाई सामान हो चुका है, सामान ले चुके हैं डिक्की के अंदर रखा हुआ भी, अब चलते हैं हम लोग फैशन फैक्ट्री के पास, उससे पहले ये वन वे है, बस हम लोग इफ्तारी का सामान ले लेते हैं ना। सो गाइस तो इफ्तारी के लिए फल ले चुके हैं, ले लेते हैं 2 प्याजू, 2 आलू चॉप दीजिए ना, 2 आलू चॉप खजूर तो हो चुका है, 2 आलू चॉप, 2 प्याजू, 2 बैंगनी चॉप चना ले लेते हैं। ये टीपू सुल्तान मस्जिद के पास का इफ्तारी का पूरा सिस्टम, सो ऐसा जो मैं हूँ टीपू सुल्तान मस्जिद के पास है, ये रहा सलाद, हाँ क्या ये चीज़ अलग ही है, ये क्या है, ऐसी कागज हम भर दिया गया है, इसे तो इतना क्रिस्पी टाइप का ही है, क्रंची भी एकदम, और सब सामान ले चुके हैं तारी का, 2 आदमी में कुछ ज़्यादा ही हो गया। एक ये फल सबको एक साइड कर लेते सही रहेगा,
और ये रहा हमारा इफ्तारी का सामान, आगे निकालते हैं, अब चलते हैं फैशन पैक। और ये अब्दुल्ला भाई कुछ पसंद है, कितना लिया इसका अब्दुल्ला ने? ले लिया कम से में मिल गया है ना। आप लोग कमेंट कर देना कितना का पड़ा ये, अब्दुल्ला भाई दाम बता नहीं रहे। हाँ नेक्स्ट ब्लॉग में बता देंगे, बस आप लोग कमेंट करना जरूर। सो आज तो हम लोग ये हो चुका है इफ्तारी भी, अब्दुल्ला भाई का चश्मा भी हो चुका है, अब चलते हैं सीधा हम लोग फैशन फैक्ट्री। प्लीज सर पक्का जा रहे हैं फैशन फैक्ट्री, प्लीज अब गाड़ी रुकना नहीं है, गाड़ी घुमाना नहीं है, ठीक है? बहुत देर से चला गया फैशन फैक्ट्री के लिए, लग जाएगा भाई इतना देर। मेरा पुराना दिन याद आ गया साइकिल के। I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try, I need you and... Oh my god, kya khoobsurat banaya hai road ko. So guys, ye tha pura area, pehla bas aake milte hum, bahut acha decorate kiya gaya tha road ko, pura pehla bas aake acche se banaya ja raha hai yahan bhai, bahut khoobsurat laga waise to, and bas aap log ne bhi dekha hoga cinematic. Only one way to describe it. फैशन फैक्ट्री आ चुके हैं, फैशन फैक्ट्री के पास ऊपर कुछ लोग रहते हैं यहाँ ऐसे, भाई एक्सीडेंट हो जाएगा। एवरीथिंग ऑन फ्लैट 50% ऑफ। और इसका पूरा वीडियो ना आपको OSM प्रैंक टीवी मिल जाएगा, जो कि अंदर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो मेन वीडियो आपको OSM प्रैंक टीवी मिल जाएगा। यहाँ हो गया गाड़ी पार्किंग, चलते अंदर। और हेलमेट की वजह से मेरा हेयर दो क्या हाल हुआ है, आज कटवा लेता मैं तो थोड़ा सेटिंग भी रहता पर भीगा हुआ है, इतना ज़्यादा गर्मी है ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी, इस वजह से मैं हेयर दे देता हूँ। चलते अंदर, अब हेलमेट पूरा भीग चुका है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ गर्ल्स से, ये रहा गर्ल्स आपका। ये वुमेंस का है, मैं हल्का फुल्का कलेक्शन दिखा देता हूँ गर्ल्स लोग का भी। ये 2499 भाई, इससे अच्छा जूटियों से नहीं लगेगा। यहाँ परसेंटेज ऑफ 70%, 50%। नीचे में ट्रेडिशनल था और ऊपर में जो है ना वेस्टर्न लुक है गर्ल्स लुक का, 50% ऑफ। ये सब जॉन प्लेयर्स का है, जॉन प्लेयर्स सब में 50% ऑफ। ये बेयर एसेंशियल का 899, 50% ऑफ, मतलब 500 रुपया 400 डॉलर की ये सब टी शर्ट है। कोई कलेक्शन नहीं दिख रहा, कोई कलेक्शन नहीं है। ये सब जीन्स है, कितना का है? 4000 का जीन्स है, 50% सब में ऑफ है। वैसे देखने में ये लुक बहुत हार्ड लग रहा भाई, नो डाउट ये जीन्स अच्छा लग रहा है। मेरे पास इतना सारा स्टाफ है कि हम वीडियो बना नहीं पा रहे, रियलिटी में ये है। इसलिए प्लीज़ आपको लगे कि भाई कैसा वीडियो बनाया हो तो उसको इग्नोर करना, बिकॉज यहाँ स्टाफ बहुत है। ये रहा 50%, यहाँ ना स्टाफ बहुत है पहला। दूसरा यहाँ पे न्यू कलेक्शन मेरे को नहीं दिख रहा, मतलब अभी चला ड्रॉप शोल्डर वो नहीं है यहाँ पे, बस ड्रॉप शोल्डर नहीं है और स्टाफ बहुत होने की वजह से ना वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। ये बच्चे लोग का कपड़ा, हल्का फुल्का शॉर्ट मैंने लिया है बस। सर तो बाहर आ चुके हैं, बाहर में कितना गर्मी है भाई। अंदर मैंने जितना कलेक्शन था सब ओल्ड कलेक्शन था, और लेटेस्ट कलेक्शन में कुछ भी नहीं देखा, बस स्पाइकर का जीन्स था और कुछ जीन्स था वही सही था, बाकी टी शर्ट में मेरे को सब ओल्ड और शर्ट में ही सब ओल्ड कलेक्शन था। सो आज तो मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ पे इफ्तारी कर लूँ आराम से, बिकॉज ये एरिया ज़्यादा खाली रहता है। अब्दुल्ला भाई आ रहे गाड़ी लेकर के, मैं चलता पानी का बोतल लेने के लिए। और ये रहा जो पानी ले चुके हैं, अब ऐसा जगह खोज रहे हैं जहाँ पे हाथ मुँह धो सके, है ना? यहीं पे, अरे हॉस्पिटल नहीं जाना, हॉस्पिटल जाने का सोच रहेगा। और यहाँ चलते हैं हाथ मुँह धो लेते हैं हॉस्पिटल के अंदर। फैशन पट्टी में कोई अच्छा मिला नहीं, हाथ धो चुके हैं, बस हम लोग का एरिया ऐसा खोल रहे हैं जहाँ पर आराम से बैठ करके हम लोग इफ्तारी कर सकें। हम तो बोले एक बार, अभी टाइम अभी लगभग 10 मिनट है, ठीक है ना? 5 मिनट 10 मिनट है, 6 2 3 में कितना हो रहा है? 5:55 हो रहा ना, तो 7 मिनट है अगर ये, तो यहाँ से हम निकलते हैं जहाँ हम लोग को लगेगा टाइम, मुझे खड़ा खाना शुरू करते, इससे आसानी ये होगा ना कि हम लोग आधा रास्ता कम से कम पहुँचा कर लें। तो आज तो लोग आ चुके हैं यहाँ तक, उधर बंदा का है अजान शुरू। इतना छोटा खजूर दिया है और खा रहे थे खजूर। अभी के समय में क्या है, इतने ही मुस्लिम फैमिली है ना, हर कोई पानी और इफ्तारी लेके आया होगा बाहर। और ये रहा अपना इफ्तारी, ये रहा सलाद। सलाद अच्छा मांगा है ना, कितना दिया? 10 रुपये मजे का दे दिया है। Mama
सुबह हो चुका है, एंटर करते हैं जकरिया स्ट्रीट बटन लेने के लिए। मैं भी आया हुआ मोहिम भाई के लिए बटन लेने के लिए, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसा बटन लेना है। बटन है मेरा बटन पसंद आया, मेरा कफली तो गाइस तो मैंने बटन तो लिया नहीं, बिकॉज बटन का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई बोला था, मतलब 400-500 का फ़ोन देगा भाई एक बटन का, 400-500 आराम बोला, ऊपर से कम भी नहीं कर रहा, इसे मैंने लिया नहीं। कम अगर 10 रुपये भी कम करता ना तो मेरे को एहसास होता है कम किया तो मैं ले भी देता, बट इतना अक्कर में बोला ना कि नहीं हुआ कम, मैंने वो रहने दो। दुकान आ चुके हैं, नहीं ठीक है, टी शर्ट भी लिया है, यह टी शर्ट खोल के देखेंगे, ये रहा जितना डैमेज उतना अच्छा है बेटी, तो रोड स्टार का बुक किया, ये रोड स्टार का, इसके बाद अभी आने वाला जैकेट जॉन्स का, ज़्यादा लूज नहीं है, 32 कमर नहीं है। محمد سيد الكونين وتقالين محمد سيد الكونين सो गाइस ये है सिम्बा सोया हुआ, गर्मी की वजह से ना ये पंखे चालू कर दे रहे हैं यहाँ पे जैकी सो करके। सो गाइस चलते हैं तरावी की नमाज पढ़ने के लिए, वैसे तो मेरा बहुत ज्यादा लेट हो गया, पर चलते हैं तरावी की नमाज पढ़ने, और यहाँ पर मेला लगा हुआ है। सो गाइस नमाज हो चुकी है, बहुत ज्यादा मेरा लेट हो गया था, बहुत ही ज्यादा। सो गाइस चलते हैं लस्सी पीने, अब मार मैं लस्सी पीते पीते आशीर्वाद कर बोला, क्या खूबसूरत लग रहा है लाइट की वजह से, सही में पूरा लाइट कर दिया भाई। घर में क्या बोलता है, कुछ नहीं खाते हैं, अभी क्या खा रहा है, कुछ खा तो हमको भी खिला रहा है, ठीक है लस्सी पी ले है तो। सुबह आजकल ना बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही है, वहाँ भी गया था ना कोलकाता, बहुत 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 ज़्यादा 42 डिग्री कोलकाता में गर्मी हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलते खाना खाने, अब बहुत कम ही खाना, बिकॉज गर्मी की वजह से ना खाना हजम भी नहीं होता और हालत खराब हो जाता है खाने से, आप लोग भी कम खाने यार, मतलब बहुत गर्मी है। जब मेरी जैकी ज़्यादा नहीं खा रही है, मतलब खा रहा है लड़का बेचारा, मैं जैकी ज़्यादा नहीं खा रहा है। सो आज तो मेरे अब्बू आ चुके हैं, ये रहा जैकी का किया, आज आया सीढ़ी में, क्या है अब्बू क्या है, निहारी पूरी है, और यहाँ जैकी का दवा भी आ गया है, मेरे अब्बू ले के आ गए जैकी का दवा, कितना ज़्यादा डिफरेंसेस, ये तो है भाई मेरे अब्बू बता रहे हैं कि वहाँ से 1000 रुपया 500 रुपया पर दवा पड़ता, पर यहाँ पे 100 रुपया 200 रुपया में काम हो गया। इसे छोड़िए, मतलब ये साइज़ है नॉर्मली, जैसे इसका प्राइस है 180 रुपया, तो ये दिया है 104 रुपया में। हो चुकी है, चलते हैं फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए, और अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा, मतलब कुछ भी नहीं, हालत खराब हो गया था भाई कसम से। और यहाँ तक फहीम जा रहा है लुंगी गैंग, लुंगी गैंग बहुत स्पीड में दौड़, बहुत दौड़ क्या है, मतलब कि हम लोग सोच हम लोग का लेट होना चाहिए, सही बोले कि नहीं, फिर भी वो भी लेट आए। अल्लाह सुभान व तआला कुछ हुक्म नाजिल कर रहा है, ये वही है वसीयत है इंसान को, बिवालिदैन एहसान, हमने इंसान को वसीयत की है कि वो अपने माँ बाप के साथ में बेहतरीन सलूक करे, अच्छा सलूक करे, क्यों, इसलिए कि हमलत उम्मुहु कुरहा, उसकी माँ जब उसको हमल में ले रहती है, उसको पेट में उठा करके रखती है, तो बड़ी तकलीफ में उठा कर रखती है, बड़ी तकलीफ में, वबदातु कुरहा, और जब उसको जन्म देती है तो जन्म देने के वक्त भी बहुत तकलीफ होती है। मरियम अगर माँ जो बच्ची को जन्म देती है उस वक्त की जो तकलीफ होती है, उसकी तकलीफ का अंदाजा मरियम तस्लीम ने किया है, सूरह मरियम के अंदर जब उनको गर्भ से लायक हुआ तो कहने लगी कुंदु नसीया मनसिया, जब उनको गर्भ बर्दाश्त नहीं कर सकी, तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो कहने लगी काश आज से पहले मेरा वजूद ही नहीं होता। जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, आज का टाइम क्या है, सीजर करने का, माँ अपने बच्चे को पेट फाड़ करके निकालती है, सोचिए जरा पेट फाड़ करके, और वो वक्त होता है कि जब पेट नहीं चीरा जाता है तो तकलीफ
इस वक्त तकलीफ होगी, इतनी जबरदस्त तकलीफ होती है कि मरियम इलाहाबाद तस्वीर ने कहा कि अरे काश आज से पहले मेरा वकील नहीं होता, मैं मर गई होती, मैं तकलीफ में बर्दाश्त नहीं करता, इसके दिन माँ को तकलीफ होगी। वरना फरमा को आवाज आ चुके रहा इतनी तकलीफ के साथ मैं बच्ची को तैयार नहीं। नमाज पढ़ के बाहर आ चुके हैं दस्तगीर, आज दस्तगीर बच जा रहा है गाँव, बेचारा यूथोपिया में नहीं जाएगा। वो तो नहीं जा, वही तो नहीं जा पाएगा। सो रास्ता भी मैं हूँ करबला में, फजर का समय सुबह का 5 बज रहा है। सो रास्ता आ चुके हैं, अब करते वीडियो एंड।